The Indian Prime Minister Narendra Modi has delivered the valedictory address on the second day of the BJP's National Council meeting in New Delhi. The big focus was infusing the cadre of the Bharatiya Janata Party to prepare for general elections in India due in April or May. The date is not set yet. He set targets for the next 100 days and streamlined goals. अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सब का विश्वास हासिल करना है। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है, उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। पहले की सरकारों में नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया, क्योंकि पार्लियामेंट की सीटें कम है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। हम वोट और सीटों के हिसाब से काम नहीं करते। मेरे लिए तो मेरे देश का हर कोना समृद्ध हो, विकसित हो, ये हमारा भाव है। आज चाहे सियाचिन हो या फिर देश के आकांक्षी जिले हो, कोई हमसे दूर नहीं है। वो गांव जिन्हें पहले आखिरी गांव कहा जाता था, हमारे लिए देश के वो पहले गांव बन गए हैं।